वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट पार्ट में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रही थी, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से, जैसे ए टू माइनस ए वन, ठीक है ना, उसके बाद बी वन और बी टू, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से बात कर रही थी। कब, जब कोप्लेनरिटी का मतलब क्या था, या तो जो दो लाइन है या तो हो सकता है सेम प्लेन पर हो, ठीक है, और या फिर पैरेलल प्लेन की कंडीशन होगी, ठीक है ना, पैरेलल प्लेन की कंडीशन होगी। और यहां पर दो केस थे सेम प्लेन के अंदर, किस तरीके से, एक तो जो दो लाइन है वो पैरेलल हो, ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब जैसे जो पैरेलल का है, ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इस पॉइंट से पहले, ठीक है ना, एक पॉइंट और है यहां पर समझने का, किस तरीके से, जैसे जब हमने पैरेलल लाइन की बात की, दो लाइन है जो पैरेलल हो, ठीक है ना। अब मान लो कि ये लाइन समझ लो कि बी ए है और सी डी ए, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, एक दूसरे पैरेलल है, मतलब ये कभी भी नहीं मिलेंगी, इस तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे हम बात कर रहे थे स्क्यू लाइन की, स्क्यू लाइन की बात की थी, कहां पर, इंटरसेक्ट के केस में, सही बात है ना, उसी में तो थी ये कंडीशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सही बात है। और उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से कि ए टू माइनस ए वन, ठीक है ना, और बी वन और बी टू, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से रिजल्ट जीरो होगा, कब, जब इंटरसेक्ट हो, सही बात है। अब एक कि यहां पर एक चीज समझने की, अब जैसे ये स्क्यू लाइन का, स्क्यू लाइन थी, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जो दो स्क्यू लाइन होंगी वो ना तो इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, और ना एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, ना एक दूसरे के साथ पैरेलल। और कब पॉसिबल है ये, जब दो प्लेन हो, दो लाइनों की बात करनी, इसलिए दो प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। तो जो ये स्क्यू लाइन का कंसेप्ट है, कहां पर थी ये चीज यूज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही बात है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब जैसे यहां पर दो, जो ये दो पैरेलल लाइन है, यहां पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि ये चीज पुट कर दी जीरो के बराबर, ठीक है, ये तो चलो स्क्यू लाइन के कंसेप्ट से जीरो पुट किया, सही बात है। अब यहां पर एक बात तो ये भी है ना, दो लाइनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, कब होगी ये चीज, जब ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, तब है ये चीज, ये नहीं है कि मतलब इस तरीके से, ठीक है, मतलब कुछ एंगल बने, कहने का ये मतलब, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। इस केस की नहीं बात कर रहे हैं, इस केस की, परपेंडिकुलर वाले केस की बात करें, मतलब दो लाइनों के बीच में कभी भी ना मिले, मतलब ये डिस्टेंस बार बार सेम रहे, इस तरीके से बार बार सेम रहेगा, सही बात है। अब एक बात यहां पर, इस केस में थोड़ी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस केस में, अब एक बात तो, इस लाइन पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, चलो मान लिया ये है पी पॉइंट, ठीक है, इसी तरीके से मान लो इस लाइन पर कोई पॉइंट है क्यू, इस तरीके से, अब किसी ना किसी तरीके से दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आ जाएं, सही बात है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते, सही बात है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट ही नहीं अप्लाई कर देंगे, सही बात है। लेकिन यहां पर काम की चीज क्या है, जो ये दो पॉइंट आए, ठीक है ना, ये इस तरीके की डेफिनेशन होनी चाहिए फिर इनकी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या कही थी, आसान लैंग्वेज में याद रखने के लिए, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट है जहां पर कम से कम दो लाइन, मान लो ये है दो लाइन, इस तरीके से, जैसे ये जो पी से क्यू है, ये भी तो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी, सही बात है, तो जहां पर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करें, ये सारे परपेंडिकुलर होंगे, सीधी सी बात है, किसी भी एंगल की बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट है जहां पर कम से कम दो लाइन, वैसे दो लाइनों की बात हो रही है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करें, तो ये खास बात है। तो इस तरीके से दो पॉइंट आ जाए, डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, सही बात है। अब बात करते हैं कि इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी बातें पता होनी चाहिए हमें, ठीक है ना, कि इस तरीके से रिजल्ट क्यों। अब एक बात बताओ, जैसे यहां पर जब दो लाइन की इक्वेशन मान ली हमने, कुछ इस तरीके से इक्वेशन माननी थी, ए वन प्लस लेमडा बी वन, सही बात है, और दूसरी की ए टू प्लस लेमडा बी टू, इस तरीके से। अब यहां पर खास बात क्या है, ए वन, चलो ए वन वैक्टर मान लो कि ए वन पॉइंट से बना, मान लो उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, सही बात है। a2 वेक्टर के लिए a2 पॉइंट समझ लो, और उसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। अब दो लाइनों पर दो पॉइंट तो हैं, दो लाइनों पर दो पॉइंट तो है यहां पर, मतलब पैरेलल लाइन के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और पैरेलल लाइन के केस में ये चीज पुट की थी हमने,
ठीक है ना, अगर ये रिजल्ट याद हो पैरेलल लाइन का, सेम बात यहां पर थी, सही बात कि दो लाइन पैरेलल हो तो ये बात होगी। अब क्या ये चीज हम पुट कर सकते हैं कि दो पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? न्यूमेरिकल में सिर्फ ये कंडीशन गिवन होगी, जो ये दो लाइन का मतलब है उनकी इक्वेशन गिवन होगी, सीधी सी बात है। तो एक बात बताओ, यहां पर ये कंसेप्ट थोड़ी ना अप्लाई हो सकता है, क्यों? इतना जरूर है कि इस लाइन पर कोई पॉइंट है, चलो पी की जगह, या फिर कहो कि ये चलो पी पॉइंट से बना ए वन वैक्टर, ठीक है, इस तरीके से, और इसके लिए मान लो क्यू पॉइंट है, सही बात है। लेकिन अब ये हमें क्या पता है कि ये जो ये दो पॉइंट है ये फुटो परपेंडिकुलर होंगे, सही बात है। मतलब सिर्फ ये कंडीशन है, इस वजह से ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा, इस वजह से उनकी डायरेक्शन रिलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इतना सोचना है कि यहां पर इतना जरूर है कि पी और क्यू पॉइंट, या फिर जैसे ए वन ए टू समझो, ठीक है ना, इतना जरूर है इन लाइनों पर कोई पॉइंट गिवन होंगे, लेकिन ये कंडीशन नहीं गिवन होगी इस वजह से, और साथ के साथ कुछ और कंडीशन भी नहीं गिवन होगी, ठीक है। हाँ मान लो कभी कंडीशन गिवन हो कि, या फिर कहो कि जैसे ये जो पॉइंट है इस पर पहली लाइन पर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दूसरा भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फिर तो हम डायरेक्टली नहीं डिस्टेंस निकाल सकते, सही बात है ना। और कौन सा डिस्टेंस, ये भी खास बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही बात। इस बात का ये मतलब है जैसे ए वन ए टू के हिसाब से समझो, जैसे मान लो कि यहां पर ए टू, यहां पर ए वन समझ लो, यहां पर ए टू है, अब दो पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस तो ये भी निकाल सकते हम, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं, ये हमें पता होना चाहिए, सही बात है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, इतनी बात सही है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट होगा या फिर नहीं वो डिपेंड करता है इस बात पर, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज यूज होगी, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरसेक्ट में, इंटरसेक्ट के केस में भी सेम बात हो जाएगी कि जहां पर दो लाइन कट करें, सही बात है, दो लाइन कट कर तो रही है, ठीक है ना, लेकिन इंटरसेक्ट का तो कोई भी केस हो सकता है, मतलब हो सकता है दो लाइन इस तरीके से कट करें, जरूरी थोड़ी ना परपेंडिकुलर वाला केस हो, सही बात है। इसलिए यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं मिलेगी, सीधी बात, सिर्फ ये चीज गिवन होगी, ठीक है ना, उससे रिलेट करना इस तरीके से, और इस वजह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कंसेप्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि यहां से रिजल्ट इस तरीके से क्यों निकाला, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इस चीज मतलब ये चीज गिवन ही नहीं होगी, ठीक है। कई बार मान लो कि न्यूमेरिकल में कंडीशन हो गिवन है तो उसका उस बात का फायदा उठा लो, सीधी सी बात, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो, और दोनों के दोनों, सही बात है, दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो इस बात का ये मतलब है कि जैसे ये लाइन है, ये ऊपर, अब एक बात बताओ, जैसे ये लाइन है, एक लाइन के हिसाब से बात करो, ठीक है ना, कि ये मान लो कि इसको परपेंडिकुलर ही कट कर रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात, अगर ये लाइन इसको परपेंडिकुलर कट कर रही है तो इस लाइन को आगे बढ़ा लो, एक्सटेंड कर लो, तो ये भी तो परपेंडिकुलर कट करेगी, सही बात है ना, इतना भी सोचना है यहां पर, ठीक है ना। ये नहीं कि फुटो परपेंडिकुलर, इस बात का ये मतलब है कि पी पॉइंट फुटो परपेंडिकुलर हो सकता है, ये क्यों यहां ना हो, यहां हो तो फिर तो ये बात नहीं आ जाएगी, तो इस हिसाब से, ठीक है ना, इसलिए मतलब फुटो परपेंडिकुलर दोनों के दोनों होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर रिमार्क्स को, ठीक है ना, कि इस तरीके से जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से ए टू माइनस ए वन, ठीक है ना, बी वन बी टू, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम क्यों था, और इंटरसेक्ट के केस में, ठीक है ना, ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। मान लो कि तीन वैक्टर, यहां पर भी तो तीन वैक्टर है, सही बात, कौन कौन से, बी वन है, बी टू है, ये एक वैक्टर है, दो वैक्टर का डिफरेंस एक वैक्टर आएगा, ठीक है। हम बात करें सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, इस तरीके से मान लो तीन वैक्टर ए बी सी, तीन वेक्टर है ए बी सी, ठीक है। जब हमने वेक्टर चैप्टर में इस कंसेप्ट को समझा था, कुछ इस तरीके से नोटेशन बी होगी इसकी, इस तरीके से भी नोटेशन होती इसी चीज की, ठीक है। इसका मतलब है, बस इसका मतलब पता होना चाहिए, जो ये बात लिखी थी कि एक बार तो डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, या फिर स्केलर नाम कह सकते हो, और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट, बस ये चीज सीखने की यहां पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये इसके भी तो बराबर होता है, जैसे एबीसी लिख दिए, ठीक है, मान लो कि पैटर्न चेंज कर रहे हो, मान लो पैटर्न चेंज कर रहे हो किस तरीके से, जैसे इस तरीके से कि ए की जगह, ठीक है ना, इसको इस तरीके से चेंज कर दो, ठीक है ना, कि मतलब बी की जगह तो ए लिख दो, सी की जगह बी लिख दो, और सी उठा के यहां पर इस तरीके से, ठीक है, तब भी ये रिजल्ट बराबर होगा, तब भी ये रिजल्ट बराबर होगा, इस चीज का भी फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से,
ठीक है, इस बात का ये मतलब है, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, जैसे यहां पर ठीक है ना सी आएगा, ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा सी डॉट ए और क्रॉस बी कुछ इस तरीके से, तो यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना इस तरीके। हाँ लेकिन एक बात है, यहां पर जो ये पैटर्न चेंज की बात की, ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए फिर, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, तीनों को मान लो कि सिर्फ किसी दो को इंटरचेंज करोगे इस तरीके से, जैसे बी की जगह ए की जगह इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट बराबर होगा, इसका रिजल्ट बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्केलर रिजल्ट आना हमें भी पता है, सभी का रिजल्ट बराबर आएगा, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा जब ये बात सीखी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, जब किसी दो को इंटरचेंज करोगे, तीन वेक्टरों में से किसी दो को इंटरचेंज करोगे तो सीधी सी बात है एक माइनस साइन आएगा इस तरीके से, ठीक है। और इस केस में क्या किया, पहला इंटरचेंज ये रहा इस तरीके से, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे तो सीधी सी बात है वही बात रहेगी, ठीक है ना, यहां पर भी सिर्फ दो ही हुए हैं, ठीक है, यहां पर एरो में मत कंफ्यूज हो ना कि ये तीन एरो है, एक्चुअल में पता है क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले ए और बी को बदला, ए और बी को सी एज इट इज रखा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी वजह से दो को इंटरचेंज करने की वजह से माइनस साइन आया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सी सबसे आगे चाहिए, सी सबसे आगे चाहिए, ठीक है, तो जैसे अब इनको इंटरचेंज कर दो, मतलब पैटर्न बनाना और कुछ नहीं है, ठीक है ना, पैटर्न बनाना इतना सोचना है, ठीक है, लेकिन जैसे बीच में ही था, ठीक है ना, तो सी और बी, तो इनको दो को इंटरचेंज कर दो फिर, सी यहां पर बी यहां पर ए बीच में, तो एक माइनस साइन तो पहले था, एक और माइनस आ जाएगा जब दो को फिर से इंटरचेंज करोगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से प्लस होगा, और ये बात डिफाइन कहां से होगी, ये बात डिफाइन कहां से होगी, इस तरीके से, जैसे अब एक बात होता है, एक तो ए बी वैक्टर लिखो और एक बी ए वैक्टर लिखो, दोनों में डिफरेंस क्या, जैसे दो पॉइंट ए बी वैक्टर का मतलब तो लाइन सेगमेंट, और सेगमेंट के लिए दो पॉइंट चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, एक तो इसको पढ़ना ना चाहिए ए से चले बी तक, और इस केस में जो पहले लिखा है तो पहले से चले दूसरे की तरफ बी से ए, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, एक साइड किसी भी साइड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब अगर वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करो, मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है ना, किसके बराबर होता है, बी क्रॉस ए के बराबर होगा, सीधी सी बात, लेकिन एक जगह माइनस साइन आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी थी वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ए डॉट बी बी डॉट ए के, और इसका नाम होता है कोमुटेटिव, इसका नाम क्या होगा, कोमुटेटिव, ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, या फिर कहो कि इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद साथ के साथ जो ए बी सी है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से, ठीक है ना, इसका रिजल्ट इस तरीके से भी होता है, किस तरीके से, जैसे जो ए वैक्टर जिससे बना, मतलब जैसे ए वैक्टर मान लो कि इस तरीके से बना है, एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप प्लस एक्स थ्री के कैप, सही बात है, इस तरीके से मान लो ए पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, इस तरीके जैसे यहां पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लेके चल रहे हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लेके चल रहे हैं, चॉइस है यहां पर, ठीक है ना, समझने के हिसाब से, ठीक है। और किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का क्या तरीका था, कि उनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई आई कैप जे कैप और के कैप के साथ कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि पॉइंट जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड होता है इस वजह से, ठीक है। और इनका यूज क्यों हुआ था, आई कैप जे कैप और के कैप का यूज क्यों हुआ था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए, वेक्टर का नाम क्या होता है, मैग्नीट्यूड, पहले से नहीं है मैग्नीट्यूड तो, और ये किसके लिए काम है, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो क्या करना है, बस जो इनके कोफिशियंट है वो लिख दो, मतलब मान लो कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है तो, सही बात है, वो लिख दो, ठीक है, उसके बाद, ठीक है ना, दूसरे के मान लो वाई वन वाई टू वाई थ्री इस तरीके से, तीसरे के जेड वन जेड टू जेड थ्री इस तरीके से पुट करो, ठीक है बस। और इसके बाद डिटरमिनेंट का कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, कहने का ये मतलब है, और यही रिमार्क्स है यहां पर, ठीक है ना। एक तो इस तरीके से कि मतलब पहले दो वेक्टरों का डिफरेंस करो, फिर बी वन क्रॉस बी टू निकाल दो, बी वन क्रॉस बी टू। अब जैसे मान लो कि दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो, किस तरीके से करते हो, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, क्यों आई ये चीज, ये बात भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, इसीलिए नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, सही बात है, ठीक है ना। तो इसलिए आई कैप जे कैप और के कैप आंसर में आते हैं। फिर क्या करना है,
पहले के पुट करो, दूसरे के पुट करो, जो भी कोफिशियंट है, मान लो ए के हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, दूसरे के बी के मान लो एक्स टू वाई टू जेड टू, उसके बाद कर दो डिटर्मिनेंट। तो इस बात का ये मतलब है, मान लो कि अगर एक तो डायरेक्ट पहले इस तरीके से कैलकुलेट करो, ठीक है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करो। वो हो सकता है कि हम डायरेक्ट ये चीज अप्लाई करना चाहते हो कि मतलब डॉट प्रोडक्ट ना करना चाहते हो, इस वजह से वो चॉइस रहेगी, ठीक है ना। इस तरीके से इसका रिमार्क्स रहेगा, ठीक है। और इससे नेक्स्ट पार्ट में हम कार्टेशियन फॉर्म की बात भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।